आए नहीं है, आने से पहले इनको जाने की जल्दी हो। हे गुड मॉर्निंग। सो आज का दिन हमारा सेकंड डे है। क्यों है ये क्या? और ऐसे हमारा प्रोडक्टिव डे शुरू होता है जिसमें हम वीडियोस देख रहे हैं और मैं अभी तक बेड से हिला भी नहीं। रजतन किसी और को देखो, इससे अच्छा मैं अपने आप को क्यों ना देखूँ। आकाश पारसरी को सब्सक्राइब करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सब्सक्राइब का बटन ही है नीचे। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, करो ना, क्या करो ना। सो लेट्स स्टार्ट द डे। नाश्ता तैयार हो रहा है, हमारी शेफ पूर्ति नाश्ता बना रहे हैं। हाय बुरु, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज आवर लिविंग एरिया जो कि थोड़ा मेस्ड अप है अभी, और आज हम इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे, थोड़ा बेटर बनाएंगे। लेट्स सी कैसे जा रहा है। तो अभी हम उठे हैं लंच टाइम पे, तो लंच बन रहा है। आज बनेगी भिंडी, और तब तक मैं ये चल रहा हूँ। भाई साहब भूख लगी थी, पूरी की पूरी नमकीन खा ली, अब मिर्च लगी है थोड़ी थोड़ी, अब बस खाने का वेट कर रहा हूँ मैं, बस जल्दी खाना चाहिए, मेरे को भूख लगी है बहुत जोर की। एंड माहौल कुछ ऐसा है, सबके सब है घर में। ये मेरे घर का लॉन है जहाँ पे मैं भी आया हूँ, और वहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो सब इतना शांत लगता है, और इट्स गुड, इट फील्स सो गुड। बस ये है कि अपना ख्याल रखो और घर में रहो, दैट्स इट। वैसे ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद यू, सो I just thought कि यार चलो व्लॉग बनाते हैं, लेट्स जस्ट इंटरेक्ट विद माई सब्सक्राइबर्स एंड विद माई फ्रेंड्स जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं। यार YouTube भी एक यू नो एडिशन टाइप होता है, और स्पेशली जब आप एडिटिंग करते हैं, लिटरली यू विल लव इट। आप हर एक दिन हर एक रात इतना मतलब एडिक्टेड हो जाओगे ना कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। इसलिए आपने देखे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो एक गैप लेते हैं क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह सकते। एक मैकेनिज्म ऐसा बन जाता है कि यार मन करता है कि हाँ यार लेट्स मेक अ वीडियो एंड देन एडिट इट एंड देन अपलोड इट, एंड जितने सारे लोगों का प्यार दिखता है तो यार और करने का मन करता है। वही सेम चीज़ है ना कि जब आपको इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा और उसके बाद लोग और करते हैं वही सेम चीज़, तो ऐसे यूट्यूब है। वैसे हाल फिलहाल तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है स्पेशली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको तो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि यार गवर्नमेंट सर्वेंट को पे किया जा रहा है इस टाइम पर सेल्फ एम्प्लॉयड काम ही नहीं कर सकते। और हमारे जैसे ई कॉमर्स के लोग जो कि काम करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारे कोई भी कोरियर कंपनीज काम नहीं कर रही है। कल जनता कर्फ्यू था एंड पूरा दिन हम घर में थे, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक। पर 5 बजे जो ताली बजाने के लिए बोला गया था, लिटरली इट वाज अ चेरिश, यू नो इट वाज अ रियली गुड मोमेंट, बहुत अच्छा लगा। पर बहुत जगह मैं वीडियोस में देखा हूँ, स्पेशली मेरी कॉलोनी में तो ऐसा नहीं हुआ जहाँ मैं रहता हूँ, पर जहाँ मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग एक साथ गैदर कर रहे हैं, एक साथ इकट्ठा हो गए, वो उस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ यू नो बीइंग एट होम, क्योंकि यार जो कोविड वायरस है उसमें ऐसा कहा जाता है कि वो अगर 14 घंटे से ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो 14 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, फिर आप उसके बाद 14 घंटे से पहले ही आ गए और आपस में मिल रहे हो, तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ इट। सो आई जस्ट, अगर मैं अपने वीडियो के माध्यम से
किसी को भी अगर मैं ये मैसेज दे सकता हूँ तो इट विल बी अ ग्रेट ऑनर कि यार आपको प्लीज़ अवॉइड करना है, आपको सेल्फ आइसोलेशन में जाना है, आपको लोगों से नहीं मिलना है और अवॉइड करना है, अपने ऊपर ध्यान रखना। एंड दीज आर माई फेवरेट बिस्किट्स। यार देखो आई रियली डोंट वॉन्ट टू पैनिक पीपल, पर इस टाइम पे आपने देखा था हर कोई अपना स्टॉक रख रहा है, अपना सामान पूरा का पूरा खरीद के रख रहा है। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा बिग बाजार की, वो शायद से इससे पहले अपलोड हो जाएगी, तो उस टाइम पे भी हमने भी यही किया था। ऑल दो दी PM रिक्वेस्टेड ईच एंड एवरी सिटीजन दैट प्लीज़ डू नॉट पैनिक, क्योंकि जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं सब कुछ है वो खुली रहेगी और अभी भी खुली हुई है। ऑब्वियसली उसके बिना काम तो नहीं चलेगा, बट somehow वी आर स्टिल डूइंग एंड वी आर कीपिंग द एसेंशियल्स विद अस, ताकि हमें कभी भी कोई इमरजेंसी हो, कुछ भी हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए अभी हमने कुछ मेडिसिन हैं वो भी ऑर्डर की है, अभी कुछ और सामान है, मेरा बर्थडे आ रहा है तो पूर्ति वॉन्ट्स टू मेक अ पाव भाजी, तो हम पाव भाजी का मसाला, ये सारे मसाले और दूसरे सारे मसाले ये सब भी अभी फिर दोबारा लेने जाएंगे बाहर। और तो बाहर जाना इज़ नॉट गुड, बट वी डोंट हैव एनी चॉइस बिकॉज हमारा डिलीवर नहीं हो रहा, ग्रोफर्स हो गया, बिग बास्केट हो गया, कहीं पे भी 3-4 दिन से पहले डिलीवरी नहीं मिल रही है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है, बाकी अभी तक का यही अपडेट था। और देखते देखते पूरा दिन ऑलमोस्ट चला गया, अभी तक मैं तो घर से काम कर रहा हूँ, मैं अपना लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ और बस अपना घर से काम कर रहा हूँ। मॉम टीवी देख रही है, मूर्ति फ़ोन पे बात कर रही है और ऐसे वक्त बीते जा रहा है। आई रियली होप कि ये जो प्रॉब्लम है ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाए और उसके बाद हम फिर बाहर निकल पाए, अपनी लाइफ जी पाए। यू हैव टू टेक ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स, डोंट फॉरगेट टू क्लीन योर हैंड्स एज सून एज पॉसिबल, हमेशा मतलब कुछ भी आप छू रहे हो कुछ भी है ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हाथ साफ रखो, अपनी आँख नाक मुंह टच मत करो। थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभार कुछ लोगों के लिए, जैसे मैं बहुत ज़्यादा टच करता हूँ, मेरे को आदत ऐसे से खोलने की, बट थोड़ा मुश्किल है, बट यस प्लीज़ रखो और थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू करो घर में ताकि थोड़ा इम्यून सिस्टम अच्छा हो। अभी बस 8 बजे हम थोड़ी देर में अपनी एक वॉल क्लॉक है, बहुत बड़ी वाली वॉल क्लॉक है, वो हम लगाने जा रहे हैं और एक रिव्यू भी हो जाएगा। वो वॉल क्लॉक बहुत अच्छी लगती है लोगों को ऑनलाइन भी, तो यू नो यू विल गेट अ रिव्यू एन आइडिया कि वो वॉल क्लॉक लगती कैसी है। सो आई विल जस्ट डू इट। वैसे ये DIY बहुत ही आसान लगता है बट है नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है, बट इट्स ओके, वर्दी है एंड इट इज लुकिंग रियली गुड। तो इतना काम करने के बाद मैं ऑलरेडी वैसे बहुत थक गया था, बट एक नया ब्लॉग ऑलरेडी मैंने पोस्ट करा है और उसके साथ साथ ये बैकग्राउंड मेरे को पता है बहुत ख़राब है, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, मैं ऑलरेडी इतना थक गया हूँ, तो मैंने सोचा कि जस्ट शूट इट। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। इन केस यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू रियली लाइक इट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार प्लीज़ प्लीज़। और करोना से डरो ना, बस घर में रहो ना और उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो ना, गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग ज़रूर करो ना, वाइफ को बहुत प्यार करो ना, मम्मी पापा की सेवा करो ना, और बस और कुछ नहीं कह सकता मैं, इससे ज़्यादा मेरे से हो नहीं सकता, इतना ही टैलेंट है मेरे अंदर। सो आई विल सी यू सून, बाय।